हल्द्वानी में जन औषधि दिवस पर यहां आज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में केंद्रीय रक्षा और राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान अजय भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जन औषधि केंद्र के सरकारी हॉस्पिटलों में खुलने से और सस्ती दरों में दवाइयां उपलब्ध होने से मरीजों को काफी लाभ होगा। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कुमाऊं को ही नहीं बल्कि पूरी यूपी के कई जिलों को चिकित्सा सेवा दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन औषधि केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई जो कि आज लाभकारी सिद्ध हो रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसी तरह से देश भर में आज जगह जगह पर सभी लोग जन औषधि दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों की औषधि लेने के लिए। 50% से 90% तक की छूट इस दवाइयों में है। जो दवा 10 रुपये की यहाँ पर मिल रही है वही मार्केट में 100 रुपये की है। उसका सॉल्ट वही है, सारे गुण वही हैं, तत्व वही हैं, लेकिन गरीबों के लिए तो यह वरदान साबित हो गई है।